नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुपकार गैंग के बहाने कांग्रेस पर अब निशाना लगातार बीजेपी साध रही है। इस बीच सीएम योगी ने भी हमला बोला है। राष्ट्रीय अस्मिता के खिलवाड़ करती है राष्ट्रीय अस्मिता के साथ में कांग्रेस, ये आरोप लगाए गए हैं। संप्रभुता को चुनौती देने वालों के साथ है कांग्रेस, अराजकता को बढ़ावा देने वालों को कांग्रेस की शह है। गुपकार समझौते पर कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, आतंकवाद के खिलाफ नरम रहा कांग्रेस का रुख। गुपकार 370 की बहाली की मांग करता है। देश के अंदर धारा 370 आतंकवाद का कारण है। धारा 370 पर कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस का साथ आतंकवाद के साथ, कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश के सामने, दिल्ली में कुछ, जम्मू कश्मीर में कुछ, और बोलती है कांग्रेस, कांग्रेस जम्मू कश्मीर का विकास नहीं चाहती। ये तमाम सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं योगी। कांग्रेस समझौते के साथ जुड़कर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ, ये सवाल बीजेपी बार बार उठा रही है और बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, बिहार चुनाव में सरकार बनाने के बाद अमित शाह एक बार फिर से गुपकार गैंग का जिक्र करते हैं और सोनिया गांधी से सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि सोनिया गांधी स्पष्ट करें कि क्या वो गुपकार गैंग के साथ हैं, क्या गुपकार गैंग की मांगों का वो समर्थन करती हैं। अब उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं। वो ये भी पूछते हैं कि क्या कांग्रेस गुपकार गैंग के साथ है, ये स्पष्ट करे, क्योंकि कांग्रेस उनका साथ देकर आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करती है। कांग्रेस पर वार करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा देखिए। में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी, अभी तो जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है, हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सब को जोड़ने का प्रयास हो रहा है और यह गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है। क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बनाकर के गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना
अत्यंत खतरनाक संकेत है। विश्व शौचालय दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने संकल्प को दिन प्रतिदिन साकार कर रहा है। ये हमारे देश की नारी शक्ति के जीवन में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की स्थापना की अनूठी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि विश्व शौचालय दिवस पर शौचालय के नियमित प्रयोग का प्रण लें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, पडरौना में बेटी ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आग लगा ली। मिशन शक्ति के इंचार्ज खुद न्याय की गुहार लगा रही है। सीएम लाचार कार्रवाई नहीं कर रहे, सीएम योगी अपने पद से त्याग पत्र दे दें। अयोध्या में बेटी को समझौते के लिए थाने में पीटा जाता है। फतेहपुर में दो बच्चियों का शव मिलता है। पिता न्याय की गुहार लगा रहा है और पुलिस जवाब नहीं दे पा रही। इसका जवाब सीएम योगी के पास भी नहीं है। अब पार्टी पूरे प्रदेश में महिलाओं के अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाएगी। आने वाले 26 नवंबर को प्रदर्शन होगा। निजीकरण के नाम पर बिजली के दाम बढ़ाए गए, निजी कंपनीज में वसूली बढ़ जाएगी, इसलिए हम विरोध करेंगे। हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनके लिए लड़ेंगे। योगी सरकार पत्रकारों की आवाज दबाने में जुट गई है। पिछले 3.5 सालों में पत्रकार पर मुकदमे दर्ज हुए। पत्रकारों को सलाम करता हूं जो सरकार से बगैर डरे आवाज उठा रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सीएम का इस्तीफा मांगती है। ये आदित्यनाथ जी का एक चलन हो गया है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए आप मुकदमे लिखिए और जेल में डालिए, डंडे चलाइए, लाठी मारिए और उनकी आवाज को दबा दीजिए। ये काम इन्होंने उस वक्त भी किया जब नमक रोटी मिड डे मील में खिलाई जा रही है, इसका एक समाचार एक पत्रकार ने चलाया, उस पर भी मुकदमा कर दिया। और अभी मैं एक देख रहा था कि पिछले 3.5 साल के अंदर तमाम पत्रकारों के ऊपर इन्होंने मुकदमे लिखे हैं और उनको जेल में भी भेजा है, उन पर कार्रवाई भी की है। मैं भारत समाचार के पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं या दूसरे पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और आप जैसे बहादुर मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके मुकदमों से डरने के बजाय इनसे लड़ने की हमें जरूरत है। 15 मुकदमे मेरे ऊपर भी इन्होंने किए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, मुझे एक दिन गिरफ्तार करके रखा गया कई घंटों तक गेस्ट हाउस में, और उसके बाद देशद्रोह जैसा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कोविड-19 की उड़ाई धज्जियां। इंतखाब आलम ने भारी भीड़ के साथ अस्पताल में किया अपनी मीटिंग के प्रस्ताव का ऐलान। अस्पताल में कोरोना टेस्ट के वक्त की मीटिंग, जिला अस्पताल में मीटिंग में इंतखाब आलम का बयान, जितना मुकदमा ठोक लो, हम डरने वालों में से नहीं, हम आवाज उठाएंगे। अब आप हमें इंजाम मत लगाइए। आप बिहार का इलेक्शन देखा हो, बिहार का इलेक्शन आपने देखा होगा, वहाँ धज्जी नहीं उड़ी। आपके रोडवेज बस सरकार की बस है, क्या उसमें सवारी करने वाले, मैं सवाल करता हूँ सरकार से, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकारी बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे? ये तो हमारी जनता को और विपक्ष को यह सरकार दबाने के लिए कानून लाती है। मैंने कहा है आपको कोविंद का जो भी मुकदमा लादना हो, जो भी बातें करनी हो, लेकिन मैं महंगाई का आवाज़ उठाऊंगा, मैं शिक्षा के विरोध में आवाज़ उठाऊंगा, मैं बेरोजगारी के विरोध में आवाज़ उठाऊंगा, मैं विकास के लिए आवाज़ उठाऊंगा। इसको मेरी आवाज़ों को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे मुझे जेल के सलाखों में क्यों भेज दिया। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, इनका नाम है इंतखाब आलम, भारी भीड़ के साथ अस्पताल में मीटिंग के लिए पहुंच गए और अस्पताल में कोरोना टेस्ट के वक्त पर ये मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि जितना मुकदमा चाहे उतना मुकदमा ठोक लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। लेकिन ये कहां की बात हुई? इंतखाब आलम भारी भीड़ के साथ पहुंचते हैं, पहले कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने के साथ ही अस्पताल में भीड़ भाड़ बढ़ाकर अव्यवस्था वहां पर पैदा करते हैं। क्यों? राजनीति के लिए क्या इस स्तर तक जाने की आवश्यकता है? अगर जनता के मुद्दों की बात करनी है तो उसके लिए अलग और भी तरीके बहुत हैं, लेकिन अस्पताल में पहुंचकर मीटिंग करना, अस्पताल में पहुंचकर अव्यवस्थाओं को पैदा करना, ये कहां का इंसाफ है और ये कहां की राजनीति है? और साथ ही साथ फिर ये भी चेताना कि जितना मुकदमा ठोकना है ठोक लो, आप राजनीति कीजिए क्योंकि आप राजनेता हैं, लेकिन जनता के लिए परेशानी खड़ी मत कीजिए। अभिषेक राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, इंतखाब आलम राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए अस्पताल में पहुंचकर सरकार को चेता रहे हैं,
मामले पर क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसी तरह में एक किलोमीटर का रैली निकाला कांग्रेस ने, जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई, उसी तरह जिला अस्पताल में एक तरफ कोविड 19 का टेस्ट चला था, वहीं पे जिला अध्यक्ष ने कहा कि जितना मुकदमा ठोकना ठोक दो मगर हम कोरोना से डरते नहीं और उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे, सरकार की जो नाकामियां उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसके साथ बोलते रहेंगे। नहीं, इनके खिलाफ फिर अभी तक कोई मामला दर्ज हुआ है? क्योंकि वो बहुत ही खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जितने मुकदमे ठोकने हैं ठोक लो। जी इस मामले में अधिकारी संज्ञान लिए हैं, उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं मगर इस तरह का भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और लगातार इस पे जो वीडियो आया है, जो बयान उन्होंने मीडियम दिया, उसको भी संज्ञान में लेते हुए अधिकारी मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अस्पताल में पहुंच कर अव्यवस्था पैदा करने के बाद इस पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी? इतनी अव्यवस्थाएं क्यों पैदा की अस्पताल में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ये कोविड 19 को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है, लगातार खुद के हिसाब सफाई और लोगों से डिस्टेंसिंग मास्क लगाने की अपील कर रहा है, मगर जिस तरह से कांग्रेस जो इस तरह से रैली निकाली और मीटिंग की जिसमें बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया गया था, उनका कहना था कि आज ही जनपद का स्थापना दिवस था मऊ का, उसको लेकर कल्पनाथ राय था स्वर्गीय, उनका उनको माल्यार्पण किया, उन्हीं को लेकर ये कम से कम भारी संख्या में कांग्रेस पहुंचे और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किए उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ी मुद्दा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर बागपत से है, जहां गन्ना क्रय केंद्र की भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम। प्रशासन ने दोनों ही पक्षों में समझौता भी कराया और मामले को शांत कराया। प्रशासन ने अलग अलग जगहों को चिन्हित कर गन्ना क्रय केंद्र के लिए जमीन बड़ौत कोतवाली इलाके के लोहड्डा गाँव का ये पूरा मामला है। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम। दस साल आगे की बात कर रहे हो। सर 8-10 दिन पहले बिना कपड़ा वाला यहाँ ना खड़ा हो कोई भी। चलो और विक्रांत शर्मा हैं, विकास शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ में। विकास, पूरे मामले पर अभी क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था सीमा विवाद का, जहां दो राज्य के जो पुलिस थी वो भी यहां मौजूद थी, हरियाणा और यूपी। अभी फिलहाल अधिकारियों से बात हुई है, कहा जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है क्योंकि दोनों राज्य के जो किसान हैं वो अपना अपना हक उस जमीन पर जताते हैं क्योंकि यमुना खादर का वो इलाका है और जिस तरीके से यमुना में पानी आता है तो कई बार होता है कि इस तरफ की किसानों की जो जमीन है वो उस तरफ चली जाती है। तो लगातार इस बात को लेकर कई सालों से ये विवाद चल रहा है जो अभी तक निपटारा नहीं किया गया। वहीं अभी एडीएम जो है अब बागपत वो भी मौके पर पहुंचे थे, साथ ही जो डीसी थे हरियाणा के सोनीपत के वो मौके पर पहुंचे थे। सभी ने बातचीत की है, जांच की जा रही है क्योंकि जांच इसमें इसलिए की जा रही है जो फसल जली है, जो यूपी के यानी बागपत के किसानों ने आरोप लगाया है हरियाणा के पुलिस प्रशासन और किसानों पर कि उनकी फसल जलाई गई है, उनके ट्रैक्टर लूट लिए गए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है क्योंकि कई वीडियोज भी ऐसे सामने आए हैं जहां पर जो उनका फसलें हैं वो जलाई गई। तो उसके आधार पर जांच की जा रही है कि आखिर विवाद का कारण क्या बना, लेकिन जो प्रथम दृष्टता नजर आया है वो यही है कि सीमा विवाद को लेकर ये पूरा विवाद चला आ रहा है जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। अधिकारी दावे कर रहे हैं कि जल्द निपटारण किया जाएगा, हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल के चलते एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और पीटीआई के हवाले से सबसे बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, पीओके में भारत की एक और पिन पॉइंट स्ट्राइक, पीओके में आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक, पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर स्ट्राइक, आतंकियों को निशाना बनाकर कार्रवाई हुई, भारतीय सेना की कार्रवाई से कई आतंकी ढेर।
जानकारी सूत्रों से पीओके में आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक यानी एकदम पिन पॉइंट पर स्ट्राइक की गई है। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर यह स्ट्राइक की गई है। आतंकियों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई आपको याद होगा अभी हाल ही में एक बार जो फिर से पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफियों का अपनी बदसलूकी का परिचय जो हाल ही में दिया था जिसमें कई जवान हमारे शहीद हो गए थे उसके बाद एक बार फिर से भारत ने लिया जवाब स्ट्राइक के जरिए पीओके में आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट पर स्ट्राइक पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर स्ट्राइक। धोखेबाज पाकिस्तान को सबक सिखाने का दरअसल असल तरीका यही है और पाकिस्तान को बस यही बात समझ आती है। भारतीय सेना की कार्रवाई से कई आतंकी ढेर पीटीआई के हवाले से सबसे बड़ी खबर और खबर बागपत से है। गन्ना क्रय केंद्र की भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम। प्रशासन ने दोनों ही पक्षों में समझौता कर मामला शांत कराया। प्रशासन ने अलग जगह चुननी थी गन्ना क्रय केंद्र के लिए जमीन। बड़ौत कोतवाली इलाके के लोहड्डा गांव का ये पूरा वाकया है। चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दी गई है ट्रेनिंग। बांग्ला इंटर कॉलेज में होने हैं शिक्षक स्नातक चुनाव। 1 दिसंबर को शिक्षक स्नातक का चुनाव होना है। मतदान के लिए जिले में बनाए गए 31 बूथ। बांग्ला इंटर कॉलेज में शिक्षक स्नातक चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 1 दिसंबर को शिक्षक स्नातक का चुनाव होना है और उससे पहले तैयारियां खूब जोरों पर चल रही है। मतदान के लिए जिले में 31 बूथ भी बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर मतदान कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्ला इंटर कॉलेज में होने हैं शिक्षक स्नातक चुनाव और उसी चुनाव से पहले तैयारियां देखिए ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 दिसंबर को शिक्षक स्नातक चुनाव होना है और मतदान के लिए 31 बूथ बनाए गए हैं। झांसी स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुनाव को लेकर प्रयागराज में होटल प्रयाग इन में प्रयागराज गंगापुर प्रयागराज यमुना पार प्रयागराज महानगर फतेहपुर हमीरपुर बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी जिलों की बैठक हुई जिसमें स्नातक चुनाव के विधानसभा संयोजक जिलों के जिलाध्यक्ष जिला प्रवासी उपस्थित रहे। इस दौरान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। इसे पूरा करने के लिए केंद्र को मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। तो ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और हाल ही में क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है राधा मोहन सिंह को प्रभारी उनको नियुक्त किया गया है और उनकी इसी नियुक्ति के बाद अब वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसी अवधारणा को पूरा करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। खबर शाहजहांपुर से है जहां कच्ची शराब निकालते हुए महिला का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब निकाली जा रही है। वीडियो में महिला पुलिस से सांठगांठ होने का दावा भी कर रही है। तिलहर थाना इलाके में धड़ल्ले से कच्ची अवैध शराब बेची जा रही है। ये कच्ची शराब न जाने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला कब थमेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ये महिला शराब बना रही है ये कच्ची शराब पुलिस की देखरेख में सब चल रहा है। ये खुद महिला इस वीडियो में बता रही है कि पुलिस के संरक्षण में सब कुछ चलता है। और यह है कच्ची शराब बनाने का जुगाड़ तंत्र। मुजफ्फरनगर में मंचले की पिटाई। मंचले को लोगों ने जमकर पीटा। लड़की से छेड़छाड़ से यहां पर जो मंचला था वो लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से मंचले को बचाया। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के होली चौक का यह पूरा मामला है। देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से चांटे पर चांटे लग रहे हैं। मंचलों की पिटाई का ये वीडियो देखिए।
और आगरा पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पुलिस ने फौजी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस से जान बचाकर फौजी भाग रहा है। मॉडल शॉप में घुसकर फौजी ने जान बचाई, लेकिन पुलिस ने मॉडल शॉप से खींचकर भी उसको बाहर निकालकर पीटा। फौजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और मीडिया पर वायरल ये जो वीडियो है उसके बाद कई सवाल भी दागे जा रहे हैं। आगरा के दीवानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हाथस में लोहे की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, लोहा गलाते वक्त हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली हसायन क्षेत्र का मामला। कितने लोग झुलसे थे? 5 लोग। इस मामले में आपने पुलिस को सूचना की थी? अपने बॉस को बता दिया था। नहीं, पुलिस को क्यों नहीं बताया आपने? बॉस को बताया, बॉस करेंगे सूचना।